हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिटरमिनेंट्स में। तो जैसा कि मैंने कल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, तो आज हम उसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो कल ही जैसा है, जैसे 4x4 डिटरमिनेंट। तो वीडियो पॉज करो तुम लोग और एक बार क्वेश्चन का इवैल्यूएट करो, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि अपन ने बोला था कि हमारा टारगेट क्या होता है कि इन तीन एलिमेंट्स को जीरो बनाना, क्योंकि अगर एक बार ये तीन एलिमेंट जीरो बन गए तो क्या हो जाएगा, दिस 4x4 डिटरमिनेंट इज इक्विवेलेंट टू 3x3, है ना, या फिर इन तीनों को, तो किसी भी एक को बना सकते हैं। बट बिफोर दैट मेरे को एक चीज़ और बोली थी मैंने कि हमारा इधर मुझे वन चाहिए होता है, ठीक है ना, इधर मुझे वन चाहिए होता है, तो फॉर दैट आई विल इंटरचेंज रो वन एंड रो टू, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले ऑपरेशन लगा रहा हूँ इंटरचेंजिंग रो वन एंड रो टू, और मेरे को पता है यूजिंग प्रॉपर्टीज अगर मैं कोई भी दो रो को इंटरचेंज करता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ओरिजिनल डिटरमिनेंट से। सो व्हाट आई विल डू, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, और लिखते कैसे इसको मैथमेटिकली, R1 एरो R2, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट हियर इज 1 2 2 1 2 3 4 1, बहुतों को लगेगा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर कैटेगरी का है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई एम गिविंग इट, ठीक है। तो 3 2 1 0 2 1 0 2, बट क्या ये दोनों बराबर है अभी, नहीं, जल्दी जल्दी में मिस्टेक नहीं करना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं लेकिन नेगेटिव लगाना भूल जाते हैं, तो यू हैव टू गिव स्ट्रेस टू दिस पॉइंट, ठीक है, यू हैव इंटरचेंज रो वन एंड रो टू, सो यू हैव टू पुट नेगेटिव एक्स्ट्रा, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल मेक दिस टू जीरो, कैसे, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R1 एज इट इज रख रहा हूँ, तो R1 1 2 2 1, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 विच इज 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 तो मतलब 4 माइनस 4 अगेन 0 आ गया था, अच्छी बात है, दो बार दो 0 आ गए, फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 विच इज माइनस 1, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कॉपी कर सकता हूँ, बट इसी के अंदर मैं दूसरा ऑपरेशन लगा रहा हूँ। अब मेरे को ये 3 0 बनाना है, तो मैं लगाऊंगा R3 गोज टू R3 माइनस थ्राइस R1, ठीक है। तो ऐसा करने पे मेरा क्या आएगा देखते हैं, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 इट इज 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड 0 माइनस 3 माइनस 3। सिमिलरली अब मैं इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, तो फॉर दैट व्हाट आई विल अप्लाई, R4 गोज टू R4 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अगेन 0, 1 माइनस 4 तो इट इज माइनस 3, 0 माइनस 4 माइनस 4 एंड 2 माइनस 2 अगेन इट इज 0, ठीक है, नेगेटिव लगाना नहीं भूलना है, ओके। नाउ वी विल एवेल्युएट इट किसके थ्रू, कॉलम 1 के थ्रू। तो मैं क्या लिखूंगा, ये माइनस तो ऑलरेडी है मेरा, तो ये माइनस टाइम्स, तो ये 1 इंटू दिस 3x3 डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 0, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को 0 बना देते हैं, ठीक है ना, या तो तुम एक काम करो, पहले माइनस माइनस कंफ्यूज कर रहा है, तो एक बार माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, और हम इस वाले कॉलम से माइनस को बाहर लेते हैं और इस वाले से, तो दो बार माइनस बाहर लूंगा तो इट विल बी कंपेंसेटेड, सो आई एम डायरेक्टली रिमूविंग हेयर माइनस, ये प्लस प्लस के हो गए, ठीक है ना। अब मैं इस माइनस 1 को 0 बना लेता हूँ, हालांकि मैं इधर भी ओपन कर सकता हूँ, बट ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ। तो अब मेरे को इस माइनस 1 को 0 बनाना है, तो क्या करूँ मैं, इस कॉलम में, कॉलम 3 में मैं कॉलम 1 ऐड कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल अप्लाई, C3 गोज टू C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, याद रखना जो भी रो चेंज करते हो उसका कोफिशिएंट इधर 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तो मैं C3 को चेंज कर रहा हूँ, C1 और C2 एज इट इज कॉपी कर दिया, तो 1 4 3 0 5 4 और 1 माइनस प्लस 1 ये हो गया 0, माइनस 3 प्लस 4 1 0 प्लस 3 3। अब मैं इसको रो 1 के थ्रू ओपन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये गया ये गया, तो 1, अच्छा ऑलरेडी एक माइनस था, मेरे को भूलना नहीं है माइनस, तो वी आर गेटिंग 5 3 15
माइनस फोर विच इज माइनस इलेवन. तो देखो तुम लोगों का सही आया या नहीं आया, आंसर इज माइनस इलेवन, ठीक है ना. और हमने कल के पहले जब प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी तो उसको फिर उस वक्त हमने इसको कैसे किया था, हमने इसके लिए फिर हमने विदाउट मेकिंग जीरो फिर हमारे चार डिटर्मिनेंट्स आए थे 3x3 के, ठीक है ना. तो वो काफ़ी लेंथी था और तुम देख रहे हो प्रॉपर्टी से कितना सिंप्लीफाई हो गया. देखो अभी लग रहा है प्रॉपर्टीज भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर इतना बार लगाया फिर जाके ये आया, बट इफ़ यू आर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तुम लोगों की तो ये एक ही बार में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका, मैक्सिमम 30 seconds इट विल टेक. और वही चीज़ अगर तुम चार डिटर्मिनेंट करके करते हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्लस गलती होने की संभावना भी ज़्यादा होगी, ठीक है. चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी करो इसको पॉज करके. आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है. विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेवल बट स्लोली स्लोली. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. तो अगेन पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से ट्राई करो. अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. तो देखो सबसे ऑब्जर्व करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ दिख रहा है इधर, ध्यान से देखो. अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, इट इज़ समथिंग लाइक जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, सिग्मा ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, जीरो होता है. तो क्या करें हम, मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों एलिमेंट्स का एडिशन इज जीरो. तो क्या करूँ मैं, कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलम वन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज सी वन गोज टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री. तो देखो कॉलम वन ये चेंज होगा, इधर क्या आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो दिस विल कम आउट टू बी जीरो. सिमिलरली ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा. अब इधर कुछ भी आए मुझे मैटर नहीं करता, वट एवर इट विल कम हियर इट डजंट मैटर, सिंस द एंटायर कॉलम इज जीरो हैज द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो, ठीक है ना. और ये ऑपरेशन दिमाग में बिठा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी आगे चल के भी हम यूज करेंगे कि हम क्या करते हैं कि एक ही कॉलम में बाकी दो कॉलम ऐड करते हैं या फिर रोज में भी ये ऑपरेशन यूज होता है. हम क्या करते हैं, रो वन में रो टू और रो थ्री एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दिस, ठीक है. चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, कॉपी कर लो इसको. और जो भी मैं क्वेश्चन दूँ अगर मैं बोलता नहीं हूँ ट्राई करने को, वीडियो पॉज करके अगर मैं भूल भी जाता हूँ, तो यू शुड बाय डिफॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि तुम्हें पॉज करके उससे ट्राई करना ही है, ठीक है ना. चल नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल वन 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 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी. करो सोचो, खुद से सोचो इसको पहले एक बार खुद से सोचो. अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे. तो अगेन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो एक एक तरीका तो क्या है, मतलब देखो अब तीन सिनेरियो बता रहा हूँ, तीन तरीके से और बेस्ट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे. अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं बोला जाए, मेरे को बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना, बिल्कुल आई हैव टू मतलब सिंपल एक फ्लो में जाना है, तो क्या करो डायरेक्टली ओपन कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं. दूसरा चीज़ इस जो जैसा कि मैंने बोला कि जो हम अधिकतर क्वेश्चंस में करते हैं, ट्राई टू मेक दीज टू एलिमेंट जीरो. ऑफकोर्स दैट इज़ अ करेक्ट मेथड. क्या करूँगा, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर कॉलम वन के थ्रू ओपन कर दूंगा, यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज परफेक्टली ओके. बट अब हम इससे और अच्छा मेथड देख रहे हैं, जो मैंने बोला आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर वन से ये दोनों जीरो हो जाएंगे. मैं बोल रहा हूँ इससे भी अच्छा मेथड देखते हैं हम. क्या अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने कॉलम टू में कॉलम वन को ऐड किया या फिर वाइस वर्सा, कॉलम थ्री में अगर कॉलम वन को ऐड किया, तो जो कॉलम चेंज हो रहा है ना वो सेम, उसके सारे एलिमेंट सेम होने वाले हैं. बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैंने मान लो इसमें ए ऐड किया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें अगर बी ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर सी ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी. तो क्या हो रहा है बेसिकली, कॉलम थ्री जो है वो उसके सारे एलिमेंट सेम हो रहे हैं, और अगर सेम हो रहे हैं तो मैं वो बाहर ले सकता हूँ और मेरे को क्या मिलेगा, इधर वन 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 वन,
और फिर मेरे को दिख रहा है इधर भी 1-1 है पूरा एंटायर कॉलम 1 और इधर भी 1-1-1 आने वाला है। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एंटायरली सेम हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। कल हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, तो बस वही यूज कर लेते हैं। तो या तो अप्लाई करो C3 goes to C3 plus C2, या फिर और लगा रहा हूं, दोनों नहीं लगाने, या फिर C2 goes to C2 plus C3, कोई भी कॉलम 2 या कॉलम 3 जो कर रहा है। बिकॉज इफ यू अप्लाई दिस देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 विल बी सेम, इफ यू अप्लाई दिस देन कॉलम 2 के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और एक बार सेम हो गए उसको हम हार ले लेंगे। तो लेट्स से मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉलम 3 चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विल रिमेन द सेम। तो दिस इज 1-1-1, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड हियर इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, हियर विल बी ए प्लस बी प्लस सी, एंड हियर ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी। अब दिख रहा है कॉलम 3 में से मैं, अब दिख रहा है ये फैक्टर कॉमन ले सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाहर। अपन ने कल प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर कोई फैक्टर कॉमन है किसी भी रो या कॉलम से तो वी कैन टेक इट आउटसाइड। जो भी आज क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज कल सीखी थी उन्हीं का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई विल टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1-1-1 ए बी सी, एंड यार इट इज 1-1-1। तो वी नो अब कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए, आंसर इज 0। और नहीं तो मान लो तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं लगाना, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाना कि दो कॉलम सेम हो रहे हैं तो आउट, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0। तो तुम ऐसा कर लो C3 में से C1 को हटा दो, या फिर C1 में से C3 को हटा दो। क्या बोला मैंने, C3 goes to C3 minus C1। अगर ये लगाओगे तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि सिंस द एंटायर कॉलम इज 0 हैंस द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। कैसे भी बोल लो, बट बेटर है कि इसमें हमें दो चीज लगानी पड़ी, एक तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, फिर हमें बोलना पड़ रहा है कि एंटायर रो एंटायर कॉलम 0 है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0। इससे अच्छा है कि पहले ही हम बोल देते कि C1 और C3 जो है वो एंटायरली सेम है, हैंस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पॉज इट, कॉपी इट, जस्ट अ सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। 1 square, 2 square, तो दूर दूर लिख रहा हूँ, 2 square, 3 square, 4 square, फिर 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, देख लेते हो करेक्ट है, ठीक है। तो अगेन पॉज करो वीडियो और इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले वर्स्ट तरीका क्या होगा कि भैया ओपन कर देते हैं डायरेक्टली, बट खुद सोचो जब ओपन करोगे डायरेक्टली तो क्या बनने वाला है, हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट आएंगे 3x3 ऑर्डर के, फिर उनको सॉल्व करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज भी कैसे लगाएं, तो हमें प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई पर्टिकुलर कॉलम से दूसरा कॉलम घटाते हैं या कोई पर्टिकुलर रो से दूसरा रो घटाते हैं, ऐसे ही करते हैं जनरली। तो मैं क्या फैक्ट यूज करूं, खुद सोचो पहले वीडियो पॉज करके व्हाट फैक्ट आई विल यूज। अब मैं उस पर आता हूं, अब मैं यूज करूंगा कौन सा फैक्ट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, हमें पता है आइडेंटिटी है ये तो 9-10 में पढ़ते हैं। तो अब मैं ये फैक्ट यूज करूंगा कि ए और बी अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हुए ना तो दिस फैक्टर विल बी 1, दिस इज 1 इफ ए एंड बी आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर ए और बी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हुए तो ए माइनस बी जो होगा वो हमारा 1 होगा, सो दैट हमारा एक सिंपल एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा। अभी स्क्वायर वगैरह दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए भी मैंने क्या बोला कि ए और बी कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्यूटिव। तो इसका मतलब अब जैसे कि मान लो मैं कॉलम 4 में से घटा रहा हूँ, तो कॉलम 4 में से मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 नहीं घटाऊंगा, क्यों नहीं घटाऊंगा, घटा तो सकते हैं वैसे भी आंसर आएगा, बट ये ज़्यादा ईजी रहेगा। कौन सा, कि हमें कॉन्सिक्यूटिव घटाना है, तो मैं क्या करूँ इसमें से इसको घटा देता हूँ।
इसमें से इसको हटा देता हूँ, सिमिलरली इसमें से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जब मैं लगातार वाले कॉलम हटाऊंगा तो दिख रहा है ना वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। सो व्हाट आई विल अप्लाई, आई विल अप्लाई, पहले मैं इस कॉलम को घटा रहा हूँ, एक ही बार में करेंगे हम, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं, C4 goes to C4 minus C3, तो C4 minus C3, तो 4 square minus 3 square, तो मैं क्या करूँगा, 4 plus 3 into 4 minus 3, और 4 minus 3 क्या होगा, 1, तो 4 plus 3 क्या बचेगा, 7, फिर similarly 5 plus 4, 9, और 5 minus 4, 1 हो जाएगा, 6 plus 5, 11, 6 माइनस 5 1, सिमिलरली 7 प्लस 6 13, तो देखो अब हमारे स्क्वायर वाले टर्म्स लीनियर में कन्वर्ट हो गए, तो थोड़ा चीज आसान हो गई कैलकुलेशन, ठीक है। ओके नाउ अगेन आई विल अप्लाई व्हाट, आई विल अप्लाई, अब मैं C3 को C2 में से कटा देता हूँ बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, सो C3 गोज टू C3 माइनस C2, C1 नहीं करूंगा इधर बिकॉज अगर मैंने इन दोनों को घटाया तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगे ना, वो A माइनस B वाला पार्ट 1 नहीं हो पाएगा, 2 होगा, फिर उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं वो हर एक में 2 आएगा, 2 हम फिर बाहर लेना पड़ेगा हमें, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम कॉन्जिक्यूटिव वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, कर तो हम ये भी सकते हैं कि C3 में से C1 घटा दें, उससे फिर वो 2 आएगा, कॉलम जो कॉलम 3 है ना उसमें 2 जनरेट हो जाएगा, तो फिर वो 2 बाहर लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि 1 ही रहे, 1 में तो कुछ कॉमन लेना नहीं होता, तो C3 माइनस C2, तो अगेन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, फिर 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, एंड इसमें भी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, C2 गोज टू C2 माइनस C1, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 5 7, 5 प्लस 4 9, और ये मेरा एज इट इज रहा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो सोचो ये डिटर्मिनेंट अब इसके बराबर है। ऑफकोर्स दिखने में आप देख भी रहा होगा कि भाई इससे तो आसानी है ये लीनियर टर्म्स, अब क्या करें, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा इसमें, अब ऑब्जर्वेशन ये है कि ये नंबर्स जो है ना वो AP में है, दिस ऑल्सो इन AP, दिस ऑल्सो इन AP, दिस ऑल्सो इन AP, ठीक है ना, अब दो AP है ना, अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो आई विल गेट अ कॉन्स्टेंट, देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये एक AP है, ये एक AP है, अगर मैं इन दोनों APs को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो व्हाट आई विल गेट, कांस्टेंट, तुम लिख भी सकते हो नोट में कि अगर मैं दो APs को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी ना दैट विल बी अ कांस्टेंट सीरीज, और अगर एक बार कांस्टेंट आ गया मतलब एंटायर कॉलम कांस्टेंट हो गया तो वो पार्ट कॉमन ले लेंगे, उधर हमारा 1 1 1 बचेगा, गेटिंग इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार और बोल रहा हूँ मैं, मैंने बोला कि ये AP है, ये भी AP है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, तो अगर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया ना तो लेट्स से मैं C4 में से C3 को घटा रहा हूँ, तो C4 जो है ना वो कांस्टेंट आ जाएंगे सारे उसके एलिमेंट, कांस्टेंट मीन्स सेम आ जाएंगे, और सेम आ गए एक बार तो उसको मैं बाहर ले लूंगा तो वो सारे एलिमेंट 1 1 1 हो गए, तो मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें, अब आई एम अप्लाइंग, ये लिख लेना जो मैं रब कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सो C4 है ना हमारा, C4 गोज टू C4 माइनस C3, तो 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11, देखो आप शायद समझ गए होगे, बहुत लोगों को क्लिक कर गया होगा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, द रीजन इज अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, इसमें भी क्या होगा, ये भी AP में है दोनों, C1 C2 और C3, तो हमारा क्या होगा, फिर अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, इधर ही लिख देता हूँ मैं, C3 goes to C3 minus C2, C3 goes to C3 minus C2, तो अगेन आई विल गेट 2 2 2 2, अब इधर कुछ भी हो whatever, अब मुझे इसके बाद प्रोसीड नहीं करना है, इन दिस स्टेप इटसेल्फ व्हाट आई विल टेल आंसर इज 0, क्यों भाई, क्योंकि मुझे पता है दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, हैंस द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, और नहीं तो ऐसे बोल दो कि भाई कॉलम 4 में से कॉलम 3 को घटा दिया तो ये सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, और एक एंटायर कॉलम 0 हो गया तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, कैसे भी बोल लो, बट ऑफकोर्स हम एक ही प्रॉपर्टी का डायरेक्टली बोलेंगे कि दो आइडेंटिकल रोज, दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए, हैंस द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है,
अब मैं कुछ डिटरमिनेंट पहले लिखवा रहा हूँ जो तुम्हें मेमोराइज करने है, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम अगेन फर्दर क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे. तो आई विल राइट डाउन सम डिटरमिनेंट्स दैट यू नीड टू मेमोराइज. तो पहला तो है सिमेट्रिक, ऐसे लिख लो डिटरमिनेंट्स दैट यू नीड टू मेमोराइज. तो पहला तो हमारा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स. इस चीज का यूज किया है हमने. अच्छा, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स मतलब क्या होगा उसमें, वैसे ये एक टॉपिक अलग से भी आएगा, बट अभी क्या है कि वो मैंने एक साथ लेना था मुझे जो मेमोराइज करवाना, इसलिए लिखवा रहा हूँ. बाकी ये टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स. बट फॉर टाइम बीइंग अभी हम याद करने वाला डाटा लिख रहे हैं, ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशंस. तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स मतलब हमारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होंगे. और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेक्चर वन में बताया था, जिनके लिए आई और जे इंटरचेंज हो जाते हैं. मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई प्लस इक्वल टू, मतलब मैंने बोला ए आई जे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए जे आई. मतलब ए वन टू का कॉन्जुगेट क्या होगा ए टू वन. तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स क्या होता है, जिसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होते हैं. तो अब देखना ये तुम्हें क्लिक करेगा कि हमने कहाँ पढ़ा है, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच. याद आया कुछ, ये था हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा, वही चीज़ है ये, ठीक है ना. ऐसे मार्क कर लो इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो हमने पहले ए बी सी ऐसे लिखा, इस फ्लो में लिखा, फिर एफ जी एच इस फ्लो में लिखा, एफ जी एच इस फ्लो में लिखा. तो अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट आता है तो हम उसका हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए. और है भी हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यही था, क्या आया था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. याद आया कुछ, तो इसको हम अगर मान लो ऐसा कोई डिटरमिनेंट आता है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये डाटा याद है तो फास्ट कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तुम्हारी. दूसरा आता है सर्कुलेंट. सर्कुलेंट इसमें क्या है, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देखना ए बी सी, फिर इसी का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ बी सी ए और फिर सी ए बी. तो इसको भी हम याद रखेंगे, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब. तो इस टाइप का अगर डिटरमिनेंट आता है तो वी विल डायरेक्टली राइट दिस आंसर. अच्छा, इसको हम आइडेंटिटी से एक और तरीके से लिख सकते हैं. याद है ये किसके बराबर होता है, 9th-10th में पढ़ते हैं. अगर मैं इसे माइनस कॉमन लूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे. अच्छा चलो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा ए क्यूब माइनस थ्री पाई ए. देखो सही लिखा है, ऊपर वाली चीज़ें लिखी है. और मुझे पता है ये किसके बराबर होता है, माइनस तो बाहर है और ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी. इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये होता है हमारा, ठीक है. सो दिस इज वॉट यू नीड टू मेमोराइज. अभी दो तीन और लिखूंगा मैं, दो चार डिटरमिनेंट्स जो हमें याद रखने हैं, ठीक है. उनके प्रूफ भी है, प्रूफ भी दूंगा मैं, ठीक है ना, मतलब सॉल्व भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी ले लेंगे हम उन्हें. तो एक काम करते हैं, अभी जो मतलब मेमोराइज जो तुमने टॉपिक लिखा, मेमोराइज दिस डिटरमिनेंट, इसमें ये दो तो लिख ही लिए, अब तीस जो मेरे को तीन चार और बताने हैं उसको हम ऐसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है ना, सो दैट तुम्हें याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है ना. तो मैं इसको रब कर देता हूँ, वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो, ठीक है. इसी टॉपिक में लिखना है द डिटरमिनेंट दैट वी नीड टू मेमोराइज के अंदर थर्ड वाला, और इसको हम एज ए क्वेश्चन ले रहे हैं. क्या क्या ले रहे हैं, इसको एज ए क्वेश्चन ले रहे हैं. क्या है ये क्वेश्चन में, मतलब थर्ड वाला हो जाएगा ये हमारा, वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर फॉर फास्ट कैलकुलेशन एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है. तो ये अब हम प्रूफ कर लेते हैं. तो प्रूफ आसान है, पहले तो तुम लोग करो वीडियो पॉज करके. तो क्या होगा हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग, कि भाई इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बना देते हैं, उसके बाद ओपन कर देंगे. और इनको जीरो बनाना भी आसान है, ये भी वन है ये भी वन है. तो सिंपली क्या करना है हमें, आर टू में से आर वन घटाना है और आर थ्री में से आर वन घटाना है. तो ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन एंड इसी के अंदर लगाऊंगा एक साथ आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन. तो आर वन तो सेम रहेगा, वन ए ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस विल बी वन माइनस वन जीरो सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है. अब क्या करें, अब दिख रहा है इधर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए है,
इधर बी माइनस ए है, तो कॉलम टू से आई कैन टेक बी माइनस ए आउटसाइड। तो देखो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, तुम लोग अलग से लिखो, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग बी माइनस ए आउटसाइड फ्रॉम कॉलम, सॉरी फ्रॉम रो टू, नॉट कॉलम, फ्रॉम रो टू। सिमिलरली आई विल टेक सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम रो थ्री। तो मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, रब करके तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, ठीक है ना। तो इसमें से बी माइनस ए कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा वन, और ये बन जाएगा बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी। सिमिलरली आई विल टेक सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम थ्री, तो ये हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा सी प्लस ए। तो मेरा इधर क्या कॉमन आया था, एक मिनट, इधर क्या आया था, बी माइनस ए और ये आया था सी माइनस ए, ठीक है। अब क्या करें, अब कॉलम वन के थ्रू ओपन कर दो, दो जीरो बन गए ना, अब बस ओपन करना है। तो वन इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ए कैंसिल हो गया, सी माइनस बी बचाइए, और ये हमारा क्या था, बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, तो सी माइनस ए तो दिख रहा है, अब ये बी माइनस ए दिख रहा है और ये सी माइनस बी दिख रहा है, तो यही लिखा है, नेगेटिव एक दूसरे में से कॉमन ले लो, तो यू विल गेट द सेम थिंग। इतना हमने किया, बट एक्चुअली क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो उसने ऐसा दे दिया, वन 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 टू फाइव सेवन, और इधर दे दिया फोर ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन। तो हमें क्या क्लिक करना चाहिए, देखो इधर ऐसा दिया ना फॉर्मेट, ये तो तुम्हें बहुत बार दिखाई देगा तो तुम्हें याद हो जाएगा, रट जाएगा, अभी हम जैसे जैसे और तुम प्रैक्टिस करोगे, बट ये देखोगे ना तो शायद क्लिक ना भी करें, तो तुम क्या करोगे फिर, मान लो तुम्हें क्लिक नहीं किया, ये इसी फॉर्म में लिखा है, तो फिर कोई बात नहीं, हम इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे जो हमने प्रूफ में किया। बट अगर तुम एक बार चमक गया कि ये ए बी सी लिखा है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है, तो तुम्हें डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्म, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा ए माइनस बी, तो टू माइनस फाइव बी माइनस सी, फाइव माइनस सेवन और सेवन माइनस टू, दिस इज द आंसर डायरेक्टली। आपको सोचो कि अगर तुम इन दोनों को जीरो बनाते फिर ओपन करते तो थोड़ा टाइम तो लगता ना, माना ठीक है ज़्यादा नहीं लगता, बट इससे तो ज़्यादा ही लगता। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेमोराइजिंग सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स, गेट इट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब देखना मैं क्या ले रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंज है, ये भी स्टैंडर्ड है, इधर स्क्वायर की जगह मैंने क्यूब कर दिया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इधर आ जाएगा। चलो मैं इधर, तुम ही वीडियो पॉज करके इधर कुछ एक फैक्टर आने वाला है, क्या आएगा सोचो, बोला सोचो मतलब सॉल्व करके निकालो वीडियो पॉज करके, और फिर मैं इसको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने उधर किया था, अगेन आई विल मेक दीज टू एलिमेंट जीरो, ये और ये एलिमेंट जीरो बनाऊंगा, क्या करूंगा, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन। तो आर वन तो सेम रहा, वन ए ए क्यूब, फिर आएगा वन माइनस वन जीरो बी माइनस ए, अब इधर आएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। चलो पूरा लिख लेते हैं, बी क्यूब मैंने क्या लगाया है, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन, और सिमिलरली आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन। तो b माइनस इधर क्या आएगा, बी क्यू माइनस ए क्यू, अब मैं वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला, क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज सो दैट आई कैन टेक b माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम टू, सॉरी फ्रॉम रो टू। तो बी क्यू माइनस ए क्यू, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली वन माइनस वन जीरो सी माइनस ए, हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू एंड दैट विल बी सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। कहेंगे ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद ये डिटरमिनेंट हमारा इसमें रिड्यूस हो गया, अभी हम फर्दर सॉल्व करके इसके बराबर प्रूफ करना है, फिर हमें ये निकालना है। जैसे मान लो वैसे ही बोल सकता है कि इधर कुछ एक्सप्रेशन है, उसको उसने मान लो नाम दे दिया, लेट से कुछ तो दे दिया जेड, मान लो ऐसे, फिर बोला जेड क्या है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ऐसे भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा तो मतलब टिक करना है डायरेक्ट, सॉल्व भी नहीं करना, अभी हम प्रूव करेंगे जेड बेसिकली आने क्या वाला है, ए प्लस बी प्लस सी आने वाला है, तो हम देखेंगे अभी, देखते क्या आता है। चलो तो अब क्या करें, बी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये हो गया बी माइनस ए मतलब वन, ये हो गया बी माइनस ए बाहर, मैं इधर ही कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट स्टेप। सिमिलरली दिस सी माइनस ए, सी माइनस ए गायब हो गया, तो ये सी माइनस ए। अब क्या करें, अब ओपन कर देते हैं कॉलम वन के थ्रू, तो जो जाएगा इधर तो सी माइनस ए लिखा है, इधर लिखा है बी माइनस ए, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इससे देखते हैं क्या बनता है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये कहता सी स्क्वायर है ये, ठीक है ना, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, प्लस इन दोनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया, ठीक है, सी माइनस बी, ना यू कैन सी सी माइनस बी कॉमन आ रहा है फ्रॉम दिस, और बाहर ऑलरेडी ये लिखा है, तो मेरा फाइनली बाहर क्या बना, सी माइनस ए बी माइनस ए और सी माइनस बी, और अंदर क्या बनेगा, सी प्लस बी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी, तो फाइनली ये आया मेरा जेड, तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, सो अगेन यू हैव टू मेमोराइज दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, और एग्जांपल वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी अपने मन से बना लो, जैसे मैंने लिखा वन 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 टू थ्री फोर, लेट से छोटा ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो टू क्यूब इज एट, थ्री क्यूब इज नाइन, थ्री ट्वेंटी सेवन, फोर क्यूब इज सिक्सटी फोर, तो मान लो ऐसा दिया है डिटर्मिनेंट, और अगर हमें चमक गया क्या ये तो इसी फॉर्म में दिया है, अगर इसी फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली हम आंसर क्या लिखेंगे, देखना डायरेक्टली एक ही लाइन में, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर, फोर माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री प्लस, दैट्स इट, एक ही झटके में आंसर, ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट, अभी बस दो और लिखूंगा, ठीक है ना, तो टोटल पांच चीज़ें हैं जो तुम्हें मेमोराइज करनी है, ठीक है, तीन तो हो गई हमारी और अब दो और बची, पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसके बाद और, ठीक है ना, तो बने रहो अच्छे से, और जब तक वीडियो आगे मत बढ़ाओ जब तक पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हो सकता है देखो सबके अपने अपनी थिंकिंग होती है, कोई को धीरे समझ में आता है, कोई को फास्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें दो घंटे मिले हैं तो उन्हीं दो घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है ना, थोड़ा आधे घंटा 15-20 मिनट दूसरा लेक्चर लेट कर दिया थोड़ा, ठीक है ना, और फिर उसको बाद में और एक्सटेंड कर दिया, अपने हिसाब से मैनेज करना, बट यू हैव टू गेट एवरीथिंग, ठीक है ना, जितना भी पढ़ाया जा रहा है हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और याद रखो ये जो टाइम मिला है, मतलब जो स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं स्पेशली उनके लिए ये मतलब बहुत ही बढ़िया टाइम मिला है, क्योंकि तुम्हें बहुत सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल रहा है, इस पर्टिकुलर समय को ना सबसे ज़्यादा कौन यूटिलाइज करता है, पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है ना, बिकॉज तुम्हें आने जाने का टाइम बच रहा है, फिर आने जाने से जो थकावट होती है उसके कारण तुम जो आराम करते हो, ठीक है ना, रेस्ट करते हो, वो टाइम बच रहा है, तो ऑल दोज यू कैन यूटिलाइज इट, और अभी अभी है समय जो है, ठीक है ना, तो मेक यूज ऑफ इट, बिकॉज अभी हमारे इलेवेंस के भी पता है हमें बैकलॉग्स हैं काफ़ी, वो भी करने हैं, तो इसलिए जितना अच्छे से हो सकता है अपना बेस्ट दो ट्वेल्थ क्लास में, सो दैट रिवीजन करने में हमें ट्वेल्थ में ज़्यादा टाइम लगे ना आखिरी में, हम मैक्सिमम इलेवेंथ पे टॉपिक्स पर रिवीजन फोकस करें, ठीक है, चलो काफ़ी हो गया ये, अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ जो है ना वो मैं तुम्हें ऐसे होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ मतलब उसका कुछ पार्ट, तो इधर एक एक पावर चेंज कर दो बस, ए की पावर फोर, बी की पावर फोर, सी की पावर फोर, एक तो ये लिख लो और एक लिख लो वन वन वन, और अगेन किसी उससे नहीं करना है, किसी की बुक से हेल्प लेके खुद से करना है, नहीं आता है तो पूछो, डोंट हेजिटेट, बट डोंट सर्च फॉर हेयर एंड देयर इंटरनेट पे, ठीक है ना, उन्हें तो बहुत से बच्चे करते हैं इधर उधर, फालतू का टाइम वेस्ट ही होता है उससे, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा मिलता नहीं, सोल्यूशन मिल जाता है, बट एक सोल्यूशन के लिए तो मैं कितना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, दिस द लव दैट यू शुड आस्क टू अ टीचर, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अच्छा चलो मैं इसको एक एक फॉर्म में लिख के देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये तो फैक्टर आने वाला है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस समथिंग आएगा, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, वो फैक्टर तुम्हें निकालना है दोनों के लिए, ठीक है ना, दैट यू हैव टू डू, और चलो एक काम करता हूँ, चलो इतना ही काफ़ी है, इतना ही रहने दो, यू हैव टू फाइंड दिस फैक्टर, लेट्स से मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ, इसको बीटा बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, करके बताना मुझे, ठीक है ना, आना चाहिए सबका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है ना, टारगेट वाले ग्रुप पे चाहे अपना स्कूल वाले ग्रुप पे किसी पे भी डालो, बट यू हैव टू रिप्लाई, इंस्टेड ऑफ पर्सनल इट्स बेटर इफ यू पोस्ट इट इन द ग्रुप, ठीक है ना, सो दैट जिसको नहीं आया वो भी सीख लेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन की भावना आपस में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो तुम लोग साथ में पढ़ रहे हो इनमें नहीं होना चाहिए कि उसको आ गया और मैंने सेंड किया तो वो सीख जाएगा, अरे यार कॉम्पिटिशन करो, दुनिया पड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों बच्चे हैं, उनसे कॉम्पिटिट करो, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को हेल्प करोगे तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइव डिटर्मिनेंट्स जो तुम्हें याद रखने, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कॉपी करो इसको, निकालना है अल्फा बीटा, मुझे आज की आज भेजना है, ठीक है ना,
तो ये पांच चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा एक बार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दूँ, एक बार पाँच मिनट में एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं कितना रिकॉल हो पाता है, उसके बाद क्वेश्चन पर फिर मूव करेंगे। प्रॉपर्टी वन क्या पढ़ी थी हमने, रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज, ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी। और इसको ना खुद से भी लिखा करो, जैसे मान लो अभी इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो और आटो के आठ प्रॉपर्टीज अपने से लिखो एक बार, ठीक है ना। और जब लिख रहे हो ना तो देखो क्या करो, एक बार जो मैंने प्रूफ बताया है सबका उसको माइंड में रिकॉल करो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है प्रूफ, कोई पूछ नहीं रहा तुमसे प्रूफ दैट, बट क्या होता है प्रूफ अगर तुम्हें याद होती ना चीज़ें तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आसानी होती सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग इट, जस्ट रिकॉल द प्रूफ इन द माइंड इटसेल्फ, नॉट यू डोंट हैव टू राइट इट प्रूफ, जस्ट एक बार ये देखा फिर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था, नहीं आ रहा था कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है तुम्हारे पास पॉज करके देख लो, ठीक है ना। उसके बाद इफ एंटायर रो या फिर कॉलम इज जीरो देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। थर्ड वाला क्या था, कोई भी दो इफ टू रोज और कॉलम, इफ एनी टू रोज अगेन कॉलम आर आइडेंटिकल देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। फिर हमारा क्या था, इफ अ रो या कॉलम इज स्केलर मल्टीपल या फिर इज मल्टीपल ऑफ अदर एनी अदर रो और कॉलम देन अगेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या था हमारा इंपॉर्टेंट, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज, सॉरी देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल वन। फिर हमारा क्या था कि इफ वी इंटरचेंज हो गया, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट से ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे इतना लिख रहा हूँ बस ब्रेक, वी कैन ब्रेक एनी डिटर्मिनेंट्स इनटू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोर्स ऑफ सेम ऑर्डर, और क्या होगा हम किसी भी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दो जो रो या कॉलम रहेंगे वो हमारे जो दो डिटर्मिनेंट्स बने उनमें सेम रहेंगे, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और सेवन जो फिर एक और मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, कुछ छूट रहा है एक तो, चलो पहले वो लिख लेते कि किसी भी रो में हम किसी भी दूसरे रो का या दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या याद रखना है, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट शुड बी वन। और अब क्या छूट रहा है, हमारा आठ थे ना, देखते हैं रिकॉल करते, तुम भी रिकॉल करो क्या छूट रहा है इसमें, आठ थे, आठ करवाए थे अपन ने। तो रो कॉलम इंटरचेंज, एंटायर रो कॉलम इज जीरो, इफ टू रो कॉलम आर आइडेंटिकल, इफ रो इज मल्टीप्लाइज चेंज रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल, और ब्रेक कर सकते हैं, और ये आया तो कुछ तो छूट रहा है, लेट मी रिकॉल इट रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, एंटायर रो कॉलम इज जीरो, ठीक है, आइडेंटिकल, हाँ इफ एंटायर रो इज वो जो एडिशन ऑफ ये दो प्रॉपर्टी, नहीं एक तो ये वो छूट रही अपनी कि एक रो अगर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, इफ रो चलो एट के फॉर्म में लिख लेना, इफ अ रो या कॉलम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, वो तो उसका और इसका यूज करके, एक सेकेंड, नहीं इसको नहीं, ये तो मैंने लिख लिया ना, ये तो लिख लिया, ये लिखेंगे कि किसी भी रो में अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो दैट वी कैन टेक इट आउटसाइड, ठीक है ना, वो फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड, अ फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम एनी रो या कॉलम, ठीक है ना, और कॉमन ले सकते हैं तो वाइस वर्सा भेज भी सकते हैं अंदर, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल एट प्रॉपर्टीज जो हमने कल की क्लास में करी थी। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये याद रखना, मैं डाउट सेशन वगैरह में पूछते रहूँगा बीच बीच में, ठीक है, रैंडमली किसी से भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा डिटर्मिनेंट में अब मैंने प्रॉपर्टी बोला तो मैं हम यूज़ क्यों करते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल और बिल्कुल सिंपल सा है 1, 2, 3, 21, 44, 62, 102, 205 और 308 यू टू फाइंड दिस डेल्टा ठीक है ना जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक यू फील कि हम प्रॉपर्टी कर क्यों रहे हैं विदाउट प्रॉपर्टी क्या दिक्कत है अब खुद सोचो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट प्रॉपर्टी करूँ तो दिख रहा है ये नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं तो हम क्या करेंगे 1 into इसका को फैक्टर तो 44 into this - 62 into 205 तो यार ये तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा और लेंथी कैलकुलेशन है तो मतलब मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है तो अब मैं नोटिस करने वाली बात क्या है इस डिटर्मिनेंट में ये नोटिस करने वाली बात है कि अच्छा उससे पहले प्रॉपर्टीज़ का मैंने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज लगाते क्यों हैं कि जैसे एक तो है कि वेरिएबल वगैरह दे रखे हो अंदर तब लगाते हैं एक है कि अगर मान लो ऐसे इंटीजर्स वगैरह दे रखे हो नंबर्स दे रखे हो तो उनको छोटा करने के लिए अभी देख रहे हैं ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो आई हैव टू मेक इट स्मॉल दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नंबर्स को छोटा रखने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो कॉलम टू है वो इसका 20 टाइम्स के आसपास है अच्छा मैंने बोला 20 टाइम्स के आसपास है मैं ये नहीं बोला 20 टाइम्स है अगर कॉलम टू इसका 20 टाइम्स होता तो हम डायरेक्टली बोल देते आंसर इज जीरो क्योंकि अगर कोई भी कॉलम या रो किसी दूसरे कॉलम या रो का मल्टीपल होता है स्केलर मल्टीपल दैन डेल्टा इज जीरो तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो कॉलम है वो इसका 20 टाइम्स के आसपास है 20 टाइम्स के आसपास है 20 टाइम्स के आसपास है मैं ये नहीं बोल रहा 20 टाइम्स है अगर 20 टाइम्स होता तो मैं डायरेक्टली लिख लेता डेल्टा इज जीरो बट आई एम सेइंग कि कॉलम टू इज 20 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स कॉलम वन तो अब मैं क्या करूँ इसको इसमें से 20 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सो ये छोटे हो जाएंगे नंबर तो मैं क्या लगा रहा हूँ C2 goes to C2 minus 20 times C1 इससे तुम्हें फील आएगी कि हाँ भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कितनी हेल्पफुल है ठीक है तो सी टू चेंज कर रहा हूँ तो सी वन एज इट इज रहने देता हूँ 1, 2, 3 अब 21 minus 20 times 1 तो ये हो गया 1 44 minus 40 which is 4 62 minus 60 which is 2 तो देखो जादू हो गया कितने बड़े बड़े नंबर लिखे थे कितने छोटे छोटे हो गए काम आसान हो गया चलो अब अगेन सेम चीज कॉलम थ्री और कॉलम वन में देखो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कॉलम थ्री जो है वो 100 टाइम्स के अराउंड है आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 100 टाइम्स दिस इज अराउंड 100 टाइम्स तो हम क्या करें ये ऑपरेशन लगा देते हैं C3 goes to C3 minus 100 times C1 इससे क्या होगा C3 कॉलम जो है ना उसमें जो बड़े बड़े नंबर्स लिखे हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे फिर हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा सो लेट्स अप्लाई दिस तो 102 minus 100 तो ये बनेगा 2 205 minus 200 5 308 minus 300 8 बस कहानी खत्म अब तो या तो इसको यहीं क्या बोलते हैं इवेल्युएट कर लो ओपन कर दो मतलब अदरवाइज थोड़ा सा एक काम करते प्रॉपर्टीज और लगा के ये दोनों एलिमेंट जीरो बना देते बना तो हम इन दोनों को भी सकते हैं बट ये वन दिख रहा है तो आसानी रहेगी तो मैं क्या लगा रहा हूँ C2 goes to C2 minus C1 और एक C3 goes to C3 minus ये 2 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन तो ट्वाइस ऑफ C1 तो C1 तो एज इट इज 1, 2, 3 तो 1 minus 1 0 4 minus 2 2 2 minus 3 minus 1 2 minus twice of 1 which is 0 5 minus twice of 2 तो 5 minus 4 it is 1 8 minus 6 2 कहानी खत्म अब क्या करें रो वन के थ्रू ओपन कर देते बिकॉज जीरो आ गए हमारा टारगेट क्या होता है मैक्सिमम जीरो आ जाए सो दैट जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हैं उस रो या कॉलम के वाया हम ओपन करेंगे हमारी कैलकुलेशन बहुत कम होगी फॉर एग्जाम्पल हियर आई विल ओपन इट विद रिस्पेक्ट टू रो वन तो व्हाट यू विल गेट 2 to the 4 minus of -1 मतलब 5 तो सोचो इसका कैलकुलेशन करते अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो कितना कैलकुलेशन हो जाता और ये हमारा क्या है दिखने में लग रहा है ये मैंने समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया अदरवाइज व्हेन यू विल अप्लाई इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड और इसको इधर सॉल्व करोगे कैलकुलेशन लग के 2-3 मिनट निकल जाएंगे तुम्हारे ठीक है तो जस्ट मैंने इसीलिए लिया ये इलस्ट्रेशन टू गेट यू फील कि भाई प्रॉपर्टी से क्या क्या हेल्प हो पा रहा है ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब जो मैं कराने जा रहा हूँ दैट इज़ वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, पहले तुम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे लिख लो भले, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसकी कोई थियरी नहीं है बट एज ए थियरी के फॉर्म में मैं ले लूँगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर बोर्ड, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू जा रहा हूँ इस पर। तो क्वेश्चन है 1 + a² बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। We have to prove that this is equal to 1 + a² + b² + c² ठीक है। अच्छा अब चलो सोचते हैं हम लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला तरीका तो क्या है, बिल्कुल कोई दिमाग खर्च नहीं करते हुए डायरेक्टली ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करते गए अगर करेक्ट लिखा होगा ये तो आ ही जाएगा ये सॉल्व होके। बट क्या होता है कि एक तो ओपन करोगे तो बहुत कैलकुलेशन होगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड में डायरेक्टली आ जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली इवैल्यूएट, यू कैन नॉट डायरेक्टली ओपन, पहले तुम्हें कम से कम 1 0 या 2 0 लाने पड़ेंगे, उसके बाद हम ओपन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो क्या करें हम, अच्छा अब सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरा एक हम जब ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम या रो में, मतलब किसी रो को या किसी दूसरे रो से सबट्रैक्ट वगैरह करते हैं, इन जनरल करते हैं, यही ऑपरेशन लगाते हैं। तो अभी तुम अगर इधर लगाओगे एट प्रेजेंट मोमेंट, तो देखो इधर ना दो कैटेगरी के टर्म्स हैं, क्या बोल रहा है मैंने, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के अंदर दो कैटेगरी के टर्म्स हैं, एक तो स्क्वायर वाले और एक लीनियर वाले। लीनियर वाले से मेरा मतलब है a की पावर 1 b की पावर 1 a की पावर 1 c की पावर 1, इधर ए स्क्वायर है। तो अगर मान लो अभी तुमने घटाया, अगर अभी घटाया तुमने, जैसे मान लो एक मिनट के लिए तुमने कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सबट्रैक्ट किया, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रही ये चीज़ें, देखो ना। अगर मान लो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाया तो इधर 1 + a² - ab, तो कुछ चेंज ही नहीं आया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब हमें तो क्या चाहिए, हम क्या करते हैं, हमारा मेन टास्क क्या होता है कि भाई अंदर जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना हो जाए, या फिर अंदर जितना भी ज़्यादा जीरो जनरेट कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। वो अगर किसी भी रो या कॉलम में 2 0 आ गए तो फिर तो हम ओपन कर देंगे उसको बिंदास। तो एट प्रेजेंट मोमेंट ये 1 + a² दिया, ये ए बी दिया, ये ए सी दिया, तो ये तो 2 डिग्री का है, ए की पावर 2 है, पावर 2 है, और ये ए और बी पे पावर 1 1 है। तो अभी सबट्रैक्ट करेंगे तो भैया कैंसिल नहीं होने रही, कैंसिल नहीं होएंगी टर्म्स अगर हमने अभी एट प्रेजेंट सबट्रैक्ट किया। अच्छा तो फिर मैंने बोला क्या करें, तो मैंने बोला अगर इधर ए बी की जगह मान लो एक मिनट के लिए ए स्क्वायर होता, मतलब 2 डिग्री का टर्म होता, तो फिर आसान हो जाता। फिर मैं क्या बोलता, इधर 1 + a² है, और अगर इधर ए स्क्वायर होता जो कि नहीं है, अगर होता 2 डिग्री टर्म्स होते तो फिर हम क्या करते, इस वजह से इसको सबट्रैक्ट करते तो 1 + a² - a² 1 आ जाता, हमारा काम बन जाता। तो अल्टीमेटली माई टारगेट अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, बेसिकली टू कन्वर्ट 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री, ठीक है। ए स्क्वायर वगैरह को या फिर a, मैं कोई भी कर सकता हूँ, मतलब 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री या 1 डिग्री इंटू डिग्री, वाई से और वाई से वर्षा, मतलब इधर ए स्क्वायर की जगह ए भी आ जाए तो भी अच्छी बात है। तो या तो सारे 1 डिग्री हो या सारे 2 डिग्री हो, सो दैट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करें तो टर्म्स कैंसिल आउट हो। अभी कैंसिल आउट नहीं हो रही है, फाइनल स्टेटमेंट मेरा दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला कि एट प्रेजेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। वो कब होंगी, या तो सारे 1 डिग्री वगैरह वाले हों या सारे 2 डिग्री वाले हों, मिक्सअप ना हो, अभी मिक्सअप है। ओके अब मैंने बोला कि ठीक है मेरे को 2 डिग्री बनाना है। तो अब वेरी अब इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं बोल रहा था, जिसलिए इन सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या करते हैं हम, सुनना ध्यान से, कि कुछ नंबर्स को ना हम मल्टीप्लाई करते हैं रो में, रोज में। लेट्स से रो 1 को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को बी से, रो 3 को सी से, उन्हीं ए बी सी को हम कॉलम में से कॉमन लेते हैं दोबारा, या फिर वाई से वर्सा। हम कुछ नंबर्स क्या करेंगे, कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हीं नंबर्स को हम रो में से बाहर ले लेंगे। एक बार और बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इन सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी विल डू, कुछ नंबर्स को हम रोज में भेजेंगे, उन्हीं नंबर्स को कॉलम में से वापस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा 2 4 6 1 3 5 7 2 1, मान लो ऐसे लिखा मैंने, तो एक सेकेंड जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ रो 1 में से, तो इधर क्या बचा 1
इधर टू, इधर थ्री, इधर क्या आया, टू आ गया था। अब मैं टू को कॉलम वन में भेज रहा हूँ, तो ये हो गया टू टू सिक्स, सच टाइप ऑफ थिंग। दोबारा एक बार, कुछ नंबर्स में इसलिए बार बार, हो सकता है बहुत से बच्चों लिख सर ठीक है बार बार बोल रहे हो गए समझ में आ गया, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। कुछ नंबर्स को हम रोज में भेजेंगे, उन्हीं को कॉलम में से कॉमन ले लेंगे, या फिर उल्टा कॉलम्स में भेजेंगे और रोज में से वापस ले लेंगे। तो अब मैंने बोला कि ठीक है भैया क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिख रहा है मुझे वन प्लस ए स्क्वायर है, मुझे मान लो टू डिग्री में कन्वर्ट करने हैं, तो इधर ए इंटू बी दिया है, इधर भी ए और सी दिया है। तो अब ध्यान से देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों में ए स्क्वायर आ सकता है अगर मैं सिंपली रो वन को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने बोला रो वन को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट हियर ए स्क्वायर बी, इधर ए स्क्वायर सी। तो मैंने क्या किया, रो वन को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू वन प्लस ए स्क्वायर आ गया, इधर इधर आ गया ए स्क्वायर बी, इधर ए स्क्वायर सी। ठीक है ना, ऑपरेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर उसके फॉर्म में लिखो तुम, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर है, सिमिलरली अब दिख रहा है इधर ए बी लिखा है, इधर बी सी लिखा है, दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो क्या करूँ मैं, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा ए बी स्क्वायर, इधर बी इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, वो इधर बी स्क्वायर सी। सिमिलरली ए और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी, पहले मल्टीप्लाइड विद सी, तो इधर बी से पहले तो डिवाइड किया बिकॉज बी से हमने रो टू में मल्टीप्लाई किया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ इधर से ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और इधर हो गया सी इंटू वन प्लस सी स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, सिंपली रो वन में ए का मल्टीप्लाई किया, रो टू में बी का मल्टीप्लाई किया, रो थ्री में सी का मल्टीप्लाई किया, और उन्हीं ए बी सी से डिवाइड कर दिया, सी भूल गया इधर ये सी। अब मैंने क्या बोला था अभी समझाते वक्त कि हम जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं को कॉलम से उन्हीं को निकालेंगे बाहर, बट अगर रो से रो में मल्टीप्लाई किया तो कॉलम से बाहर लेंगे, और अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो रो से बाहर लेते। अब चूंकि हमने इधर रोज में मल्टीप्लाई किया है ए बी सी को तो कॉलम से बाहर निकालते हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम वन में से ए बाहर निकाल रहा हूँ। मैं इसी स्टेप पर लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट नेक्स्ट स्टेप, कॉलम वन में से ए बाहर ले रहा हूँ, तो इधर से एक आया, इधर से एक आया, इधर से एक आया, तो इधर आ गया मेरा ए। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में से मैं बी बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ से ये बी खत्म, ये बी खत्म, ये बी खत्म, यहाँ आ गया बी, एंड लास्टली इधर से सी खत्म, इधर से सी खत्म, इधर से सी खत्म, इधर आ गया सी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई हो गया, मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब देखो फायदा क्या हो गया हमारा, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट विल कन्फ्यूज यू, सो आई रिमूव दिस ब्रैकेट। अब देखो हमारा टारगेट क्या था, जो मैंने इधर लिखवाया था, टू कन्वर्ट टू डिग्री इंटू वन डिग्री और वाइस वर्सा, मतलब मुझे क्या चाहिए था कि ये सारे टर्म्स तो या तो टू डिग्री के हो जाएं सारे, या सारे वन डिग्री के हो जाएं, सो दैट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे चीज़ें कैंसिल आउट हों। वो इधर हो नहीं रही थी, बट इधर देखो जो टू वन डिग्री वाले भी थे ना, वो भी सब टू डिग्री में हो गए। नाउ दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन द सेंस सारे टर्म्स टू पावर वाले हैं। अब मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड वगैरह करूँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ अगेन। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू। अब इन सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, एक और चीज़ बताई थी आज जब स्टार्ट किया था, वो इम्पॉर्टेंट ये वाला ऑपरेशन भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या फिर कॉलम में कॉलम वन गोज टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। मतलब हम कब लगाते हैं, जब लगाते हैं कि अगर तीनों को ऐड करने पे ना, तीनों को ऐड करने पे इफ वी आर गेटिंग एक्सप्रेशन सिमेट्रिक इन ए बी सी, अगर मुझे सिमेट्रिक मतलब इफ वी आर गेटिंग सेम एक्सप्रेशन, ऐसे बोल लो, वी विल अप्लाई दिस, वी विल अप्लाई दिस इफ वी आर गेटिंग, इफ वी आर गेटिंग एक्सप्रेशन सिमेट्रिक इन ए बी सी, या फिर सेम, सो दैट ऐसा कर, वो ठीक है लिख तो दिया मैंने, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करने पे अगर सेम बन गया, जिस भी कॉलम में लगा रहे हैं अगर वो कॉलम सेम बन गया तो क्या करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हेयर, अगर मैंने मान लो ऐड किया तो मान लो कुछ भी आया, मान लो कॉलम वन में अल्फा 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 आ गया, तो क्या करेंगे, अल्फा को बाहर ले लेंगे,
अब 111 बचेगा, और एक बार अगर कोई भी एंटायर रो या कॉलम 111 हो गई तो दो जीरो तो बना सकते हैं हम। जैसे मान लो कॉलम वन मेरा पूरा वन हो गया, तो R2 - R1, R3 - R1 से वो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर ओपन कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब मैं बता, अब देखते हैं ये लगाए हैं कॉलम वाला लगाएं। तो एक मिनट के लिए मैंने कॉलम वाला लगाया होता, मान लो एक मिनट के लिए मैंने ऐसे लगाया C1 goes to C1 plus C2 plus C3, मान लो लगाया होता, भी नहीं मान लो बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ करेक्ट है, मान लो लगाया होता तो कॉलम वन क्या बन जाता हमारा, ये जाता 1 + 3A² इधर 1 + 3B² 1 + 3C² ये बनता 1 + चलो लिख लेता हूँ मैं, अभी तुम मत लिखना इसको, मैं बता देता हूँ पहले, ये गलत है एक्चुअली इसलिए मत लिखो अभी, 3C² और ये एज इट इज रहते। तो क्या मुझे ये जो एक्सप्रेशन मिला 1 + ये तीनों सेम मिले क्या, सिमेट्रिक नहीं मिले ना। बट मैंने क्या लिखवाया, हम कब अप्लाई करेंगे, इफ़ यू आर गेटिंग द सेम, अगर सेम मिलते तो हम इनको भाग ले लेते, इधर 1111 आ जाता, और अगर तीनों बना जाते तो फिर तो हम दो को जीरो बना देते, फिर ओपन कर देते। तो इसलिए आई विल नॉट अप्लाई दिस। तो ठीक है, कॉलम से ट्राई कर लेते, रो से ट्राई कर लेते, भले एक काम करो तुम साइड में लिख लो ऐसा करने पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी तुम साइड में लिख लो, ठीक है। तो हम चलो अब हम इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये पार्ट लिख लेना। अब मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम रोज को कर थ्रू करते हैं। तो R1 goes to R1 plus R2 plus R3। तो अब देखो ध्यान से, अगर रो वन में रो टू और रो थ्री ऐड करूँगा तो इधर क्या आएगा, 1 + A² + B² + C² इधर क्या आएगा, 1 + A² + B² + C² इधर 1 + A² + B² + C² कहानी खत्म हमारी, सारे एलिमेंट सेम आ गए रो वन के, वी कैन टेक दैट फैक्टर आउटसाइड। तो मैं इधर आया 1 + A² + B² + C² इधर भी 1 + A² + B² + C² इधर भी 1 + A² + B² + C² और इधर मेरा बचा B² इधर C² 1 + B² C² B² और 1 + C² अब क्या करूँगा मैं, अब सिंस एंटायर रो जो वन है वो सेम आ गई तो आई टेक आउटसाइड, और वैसे भी इधर से हिंट लग रहा है देखो कॉमन आने के बाद ये आज ये आने वाला है, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट बचेगा ना फाइनली वो वन आने वाला है, देखते कैसे। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस, बिकॉज मेरे को ये पार्ट ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पॉज करो इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है ना, ये सारा लिखना है, ठीक है ना। चलो तो अब मैंने कॉमन लिया 1 + A² + B² + C² अंदर मेरा वी आर लेफ्ट आउट विथ 1 - 1 - 1 B² 1 + B² - B² C² - C² 1 + C² अब मैं इधर ही अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप पे लिखना। अब मेरा अब इन सच क्वेश्चन में क्या करता हूँ मैं, अब एक बार 3 1 आ गए तो दो को जीरो बना देते हैं, एक तो इसको और एक इसको जो स्टैंडर्ड है हमारा। तो मैं क्या करूँगा ऑपरेशन में लिख रहा हूँ, इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली इधर ही, तो मैं लगा रहा हूँ C2 goes to C2 - C1 और C3 goes to C3 - C1 C2 और C3 को मैंने C1 में से घटा दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर रो वन के थ्रू मैं ओपन कर दूंगा। तो दिस इज जीरो, तो 1 + B² - B² 1 C² - C² 0, तो 1 - 1 0, B² - B² 0, 1 + C² - C² 1। बस अब कुछ खत्म कहानी, अब कॉलम वन के थ्रू सॉरी रो वन के थ्रू ओपन कर देता हूँ, तो ये 1 × क्या बचा 1 × 1 - 0 तो इट इज 1, और बाहर हमारा क्या लिखा था 1 + इसको शॉर्ट में लिख लिया σa² एंड प्रूफ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनेंट्स दिस, और एक इसके बाद एक आखिरी में टॉपिक आएगा मल्टीप्लीकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली दिस वन, ठीक है ना। एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या किया और मैंने इसके पीछे क्या क्या तुम्हें कहानियाँ बताई, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैंने बोला कि इन सच क्वेश्चन हम देखेंगे कि टर्म्स एक 2 डिग्री वाले हैं, एक 1 1 डिग्री वाले हैं, तो अगर हम एट दैट मोमेंट अगर हमको सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो हमें टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो आई वॉन्ट कि एंटायर जो भी सब कुछ लिखा हो अंदर वो 2 डिग्री में हो जाए, सो दैट जब उसके बाद हम कैंसिल करें तो फिर कैंसिल होने की टर्म्स संभावना हो। तो उसके लिए क्या किया, फिर हमने देखा कि इधर ए बी दिया है, इधर ए सी दिया है, तो इधर मैं अगर मान लो बी से मल्टीप्लाई, तुमने मान लो सोचा था कि नहीं सर ऐसे ही क्यों किया, बी से करते तो बी से करते इधर बी स्क्वायर ए आ जाता, बट इधर डिस्टर्ब हो जाता है ए बी से आ जाता। तो हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो मैंने इस पूरे रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर मेरा ए स्क्वायर आ गया, इधर भी ए स्क्वायर आ गया।
सिमिलरली मैंने रो टू को बी से मल्टीप्लाई किया, इसको सी से मल्टीप्लाई किया, और रोज में मल्टीप्लाई किया ए बी सी, कॉलम में से मैंने कॉमन ले लिया। तो उसके बाद जो मेरा रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आया था उसमें सारे टू डिग्री के टर्म्स आ गए थे। वो तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हुआ था। फिर वो वाला कंसेप्ट यूज हुआ था कि R1 goes to R1 plus R2 plus R3, या फिर C1 goes to C1 plus C2 plus C3, कब अप्लाई करते हैं? कब अप्लाई करते हैं? जब ऐड करने पे जो एक्सप्रेशन आ रहा हो वो एक तो सेम आ रहा हो या फिर सिमेट्रिक इन ए बी सी, सो दैट वी कैन टेक दैट आउटसाइड और हमारा फाइनली 1 1 1 आ जाए। फिर अगर तीनों वन आ गए उसका दो को जीरो बना देंगे, फिर ओपन कर देंगे जो कि हमने इधर किया। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे भी दे दूंगा मैं तुम्हें, पहले इस कैटेगरी के थोड़े और देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए बी सी, बी सी सी ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, चल अब क्या करें, प्रूव दैट। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका तो क्या है, अगेन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ दिमाग खर्च नहीं करना, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, करते गए करते गए करते गए आखिरी स्टेप में देख लिया दोनों सेम आ रहे हैं। और वैसे ये तो मैंने वैसे भी याद करने का बोला, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है हमारा जो फिफ्थ वाला था ना, आज पांच बताए ना जो स्टैंडर्ड तुम्हें याद रखने, उसमें दिस वन वाज़ द फिफ्थ वन, तो इसका तो वैसे भी रिजल्ट याद है, तो इसको और सिंप्लीफाई करो, प्रूव दैट लास्ट तक दोनों बराबर है। बट नहीं, वो एक स्मार्ट तरीका नहीं हुआ। मुझे क्या करना है बेसिकली, मतलब विदाउट ओपनिंग इट आई हैव टू शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो क्या करें, तो पॉज करो पहले एक बार तुम सोचो और फिर मैं बता रहा हूँ। देखो अब सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि इधर ए बी सी तीनों में है, तो वाई नॉट टू टेक इट कॉमन, वाई नॉट टू टेक इट आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, सो दैट दीज टू विल दीज थ्री विल बी वन वन वन। तो मैं इसमें देख रहा हूँ ए बी सी को कॉलम कॉमन ले रहा हूँ, कॉलम थ्री से, तो ये ए बी सी, इधर बी सी, इधर सी ए, इधर ए बी, इधर वन वन वन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चल अब क्या करें, अब नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसे कि मैं देखो अब एक तो मैं ये भी हिंट लगनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में करा रहा हूँ कि टर्म्स को कॉमन लेके अंदर भेजना है, तो वो भी एक हिंट है। और दूसरी चीज़ जब मैं इससे कंपेयर करूँ तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आ सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे जनरेट हो सकता है। अगर मैं एक मिनट, एक मिनट, मैंने ए स्क्वायर बी, जस्ट अ सेकेंड, मैं कॉपी सही किया है क्या, ए बी सी बी सी सी ए बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी के। ठीक है, सही है, चलो तो मैं क्या करूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है, तो क्यों ना मैं ये ए इस पूरे को भेज देता हूँ, ये बी इसमें भेज देता हूँ, ये सी इस रो में भेज देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या फर्दर क्या होता है। तो मैंने क्या किया, ये ए को रो वन में भेज दिया, तो क्या आया, अगर ए स्क्वायर इधर ए बी सी इधर ए, और बी को मैंने रो टू में भेज दिया, क्यों भेज रहा हूँ, बिकॉज ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर देख के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जनरेट कैसे हो रहा है, तो बी इधर भेजूंगा तो बी स्क्वायर इधर ए बी सी इधर बी इधर सी स्क्वायर इधर ए बी सी इधर सी। अच्छा, और मेरा ए बी सी ऑलरेडी बाहर था, ठीक है चलेगा। और अगर मैंने ऐसे भेजा ए बी नहीं, ठीक है, तो मैंने इधर से ये ए बी सी हट जाएगा ना, मैंने अंदर भेज दिया तो, ठीक है ना, मैंने अंदर भेज दिया तो ए बी सी हट जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब कुछ तो अच्छा हुआ हमारा, जैसे देखो ए बी सी ए की पूरा का पूरा आ गया सेम, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी आ गया, बस इसके इसके साथ और प्ले करना है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं दोबारा ए बी सी बाहर ले रहा हूँ फ्रॉम कॉलम टू, तो व्हाट यू आर लेफ्ट आउट विद दिस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन 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 ए बी सी। अब बाहर मेरा क्या आया ए बी सी। अब क्या करूँ, अब शायद क्लिक कर जाना चाहिए, एक ही लाइन है। क्यों कैसे आएगा, जब मैं ए को रो वन में भेज दूँ, बी को रो टू में, सी को रो थ्री में, तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर, वही चीज़ आ जाएगी। देखो ए को मैं रो वन में भेज रहा हूँ तो जगह ए क्यू ए ए स्क्वायर बी क्यू बी बी स्क्वायर सी क्यू सी सी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है एकदम, कोई को लग रहा होगा नहीं सर अलग है ना थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करो, पहले एक नेगेटिव साइन आएगा, फिर कॉलम टू कॉलम थ्री को इंटरचेंज करो, फिर एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कंपनसेट हो जाएंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, तो पॉज करो इसको, कॉपी करो। एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा तुम लोगों का भी प्रैक्टिस होगा, तो होमवर्क के लिए लिखो। नहीं तो एक क्वेश्चन और पहले करा देता हूँ, प्रूव दैट इसी कैटेगरी का, ठीक है ना, वन 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 ए बी सी बी सी ए सी ए बी दिस इज इक्वल टू वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल प्रूव दिस, ठीक है ना। अब मेरे को प्रूव करना है, तो अगेन मैंने जैसे बोला हूँ कि एक तरीका, तो ये तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस है, इसको भी ओपन करके प्रूव कर देते हैं। इसको ओपन करना आसान है, पहले इन दोनों को जीरो बनाएंगे, बट दैट इज अगेन नॉट अ गुड मैथड, वो प्रोसीजर वो मतलब बोर्ड के लिए बोल सकता हूँ बट नॉट फॉर एडवांस के लिए, ठीक है ना। मुझे थोड़ा एडवांस मतलब खुद तो दिमाग वाला मैथड अप्लाई करना है, तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है इन शॉर्ट। तो मैं क्या करूँ, अब देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इधर ए बी सी है, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो अगर मैंने रो वन में ए को मल्टीप्लाई किया रो वन में, तो इधर ए स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ए आ गए। अगर दूसरी रो में बी को मल्टीप्लाई किया तो इधर बी स्क्वायर इधर बी, तो बी स्क्वायर बी, इधर सी से तो सी स्क्वायर सी सी स्क्वायर सी, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, मतलब एक ए बी सी से मल्टीप्लाई करने में दो कॉलम तो सेम होगा, ये तीसरे को हैंडल करते हैं उसके बाद। तो मैंने बोला आई एम मल्टीप्लाइंग विद ए इन द रो वन, तो दिस विल बी ए ए स्क्वायर ए बी सी, रो टू को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बी बी स्क्वायर ए बी सी, और इसको सी से सी सी स्क्वायर ए बी सी, और मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स डिवाइड करूँगा तो बाहर लिख दिया ए बी सी। ये भूलना नहीं है, बच्चे लोग मल्टीप्लाई कर देते बाहर लिखना भूल जाते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है, ठीक है ना। तो यू हैव टू डिवाइड ऑल्सो, बिकॉज मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब दिख गया एक स्टेप में, कॉलम थ्री से ए बी सी कॉमन ले देता हूँ, तो इधर वन 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 आ जाएगा, तो आई रिमूव दिस वन वन वन, तुम अगले स्टेप में लिखना दिस इज ए बी सी, नाउ दीज टू डिटरमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, जस्ट इंटरचेंज दीज टू एंड इंटरचेंज दीज टू, सो यू विल गेट माइनस माइनस कंपेंसेट हो जाएगा, यू विल गेट दैट रिजल्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं फाइनली तुमको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, सबको करना है, उससे पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है लेक्चर में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन, अब मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अभी जो दे रहा हूँ वो थोड़ा इससे अच्छे लेवल का होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क क्वेश्चन, दीज आर ऑल होमवर्क क्वेश्चंस, इधर आई विल डिस्कस इन डाउट सेशन, और अभी नहीं तो लेक्चर में ही डिस्कस कर लूँगा, थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन उससे पहले वाले से, हार्ड मतलब वही कैटेगरी का है। हर एक स्टेप में कुछ सोचना, मतलब कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग तुम्हारा ब्रॉड होगा। रैंडमली कुछ भी लकीली नहीं किया कि एक बार करके देखते देखते क्या आता है, ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दिस। सेकेंड इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जेड एक्स जेड वाई टू एक्स। और देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि तुम प्रॉपर्टी लगाते जाओगे, एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, तो फिर ओपन ही करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी, ठीक है ना। एक्स वाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स का स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन करता है ये वाला, इज इक्वल टू टू, और कहीं से हेल्प नहीं लेना है, नेट वेट से हेल्प लेना है तो केवल मुझसे और किसी से नहीं।
अच्छा मैं थर्ड वाले का RHS नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे देखना है कि तुम लोग सोच पाते हो या नहीं, क्योंकि अगर एक बार RHS लिख दिया थर्ड वाले में तो फिर तो क्लियर हो ही जाएगा, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इधर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर RHS नहीं दिया तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये लिखो। और दो क्वेश्चन और लिख ले रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस ऊपर वाले क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, ठीक है। दो क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और है। एक्स ए ए ए, ये थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है, ए एक्स ए ए ए ए एक्स ए ए ए ए एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ए इंटू एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। एंड दूसरा एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल यू हैव टू प्रूव दैट बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, एंड वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे दे सकता है, इस टू की जगह लैम्डा लिख सकता है वो, तो मैं लैम्डा लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, टू पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सो दीज फाइव क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो हेजिटेट नहीं करना है, और डाउट सेशन रेगुलरली अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, अटेंड करना है, ठीक है ना, डाउट सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।